जनपद हापुड़ के थाना पलखवा पुलिस और गौकशों के बीच शनिवार की तड़के हुई मुठभेड़ के दौरान दो गौकश घायल हो गए। पुलिस की ये मुठभेड़ धोलाना रोड पर करीब 1:30 बजे हुई। पुलिस ने गौकशों के कब्जे से एक छोटा हाथी, एक गाय, दो तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस और गौवंश काटने में इस्तेमाल औजार बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि पलखवा पुलिस को सूचना मिली थी कि धोलाना रोड पर कुछ बदमाश गौवंश को किसी वाहन में लाद रहे थे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और गौकशों को ललकारा। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायर खोल दिए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया। पुलिस और गौकशों के बीच हुई सशस्त्र मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश घायल हो गए, जिनकी पहचान मेरठ के राशिद पुत्र नवाब और हापुड़ के गांव बदरखा के बिलाल पुत्र हसीन के रूप में की गई है। रात्रि करीब 9:30 बजे 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि धोलाना रोड पर कुछ लोग छोटा हाथी वाहन में गौवंश लाद रहे हैं। उक्त सूचना पर 112 की टीम व थाना पुलिस द्वारा भी क्षेत्र में सर्च किया जा रहा था। आज रात्रि करीब 1:30 बजे थाना पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा जो फायर किया गया उसमें राशिद और बिलाल नाम के दो अभियुक्तों को गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु भिजवा दिया गया है। अभियुक्तों के पास से एक छोटा हाथी वाहन, एक गाय, गाय काटने के उपकरण, 315 बोर के दो तमंचे तथा खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर बाबूगढ़ गढ़मुक्तेश्वर थाने में गौवध, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।